और अब खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर कांग्रेस पार्टी करेगी इफ्तार पार्टी का आयोजन, जहां पर आज कांग्रेस कार्यालय में दावत इफ्तार होगा। अजय राय, अविनाश पांडे रहेंगे मौजूद, अखिलेश यादव के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। चुनावी मौसम में कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लखनऊ की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी करेगी इफ्तार पार्टी का आयोजन। आज कांग्रेस कार्यालय में दावत ए इफ्तार का आयोजन होगा। अजय राय, अविनाश पांडे इसमें शामिल होंगे, साथ ही बता दें कि अखिलेश यादव के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। चुनावी मौसम में कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस पार्टी करेगी इफ्तार पार्टी का आयोजन। आज कांग्रेस कार्यालय में दावत ए इफ्तार का आयोजन होगा। अजय राय, अविनाश पांडे इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात करें, अखिलेश यादव के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अगर बात करें तो चुनावी मौसम में कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी का किया है आयोजन, और तमाम नेता इस दौरान इस पार्टी में नजर आ सकते हैं। तो लखनऊ से खबर, जहां पर कांग्रेस पार्टी करेगी इफ्तार पार्टी का आयोजन, अजय राय, अविनाश पांडे इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान अगर बात करें तो अखिलेश यादव के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्वनी द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अश्वनी, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इफ्तार पार्टी का आयोजन करेगी, और ऐसे में अगर बात करें तो अखिलेश यादव के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। पूरे समीकरण की बात करें तो जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में पूरे तरीके से पूरी पार्टियां एक साथ में, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल, बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी चुनावी इफ्तार का आयोजन करने जा रही है। इसमें रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में अमूमन देखने को मिलता है कि आज जो है तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टियों का आयोजन करती है, जिससे वोट बैंक इनका मजबूत हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वोट बैंक मजबूत होगा अगर मुस्लिम वोट बैंक, क्या हिंदू वोट बैंक इनके साथ रहेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी का फायदा उठा सकती है, इसी पर सवाल खड़े कर सकती है। और कहीं ना कहीं इससे पहले भी देखा गया, जब जब इस तरीके के आयोजन विपक्षी दलों ने किए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े किए कि आखिर इस तरह का आयोजन क्यों किया जा रहा है, क्या जरूरत है, क्या एक ही धर्म के लिए आयोजन किया जा सकता है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जो एक कार्यक्रम होना है इस बार पार्टी के, उसमें अजय राय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे, साथ ही साथ अविनाश पांडे जो उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा बात करें अखिलेश यादव के भी शामिल होने की आशंका है कि वो भी शामिल हो सकते हैं। निश्चित तौर पर एक प्रयास किया जा रहा है जो अल्पसंख्यक वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक उसको साधने का, लेकिन वो कितना कारगर साबित होता है ये सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल अविनाश, अवनीश अगर इस दौरान बात करें, जिस तरीके से इस तरीके की पार्टियां होती है और सभी राजनेता इस दौरान मौजूद होते हैं, ऐसे में चुनावी समीकरण की बात करें, क्योंकि पूरे तरीके से वोट बैंक को साधने की कोशिश, बिल्कुल कहीं ना कहीं साधने की कोशिश तो की जाएगी मुस्लिम वोट बैंक को, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक बंटवारा होता है कि नहीं सवाल, क्योंकि बसपा भी एक और है जिसने अब तक सबसे ज्यादा मुस्लिम जो कैंडिडेट है वो खड़े किए। अगर ऐसे में बसपा लगातार मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। देखा जाए इस दौरान तो अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चुनावी मौसम में कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, और ऐसे में अगर बात करें इस इफ्तार पार्टी में अखिलेश यादव के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है।